दांतों का दर्द, मसूड़ों की सूजन और सांस की बदबू, इसका एक ही इलाज विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। रोज सुबह भारत में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो खास है इसमें। मैं हमेशा से ही हेल्थ कॉन्शियस रहा हूँ। रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवाता हूँ, डेंटल चेकअप करवाता हूँ। हाल ही में मेरे बाएं दांत में प्रॉब्लम अराइज हुआ। मैं हैरान हो गया, इमिडिएटली डेंटिस्ट के पास गया। उसने मुझे रूट कैनाल करने के लिए कहा। मैं हैरान था कि इतनी फिक्र करने के बाद भी मेरे दांतों में ये प्रॉब्लम कैसे हुआ। ये सब जानता है। दादू की दांत में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं उन्हें व्हाइट कलर की गोली देता था, उनका दांत ठीक हो जाता था। जाओ खेलो। उस वक्त इमिडिएटली मैं रूट कैनाल नहीं करवा सकता था, क्योंकि एक बिजनेस टूर पर 8-10 दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा था। मैंने सोचा लौट कर आता हूँ और फिर रूट कैनाल करवा लेता हूँ, लेकिन तकलीफ बहुत हो रही थी। टूर के दौरान मैंने मेरे एक कलीग को विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन इस्तेमाल करते हुए देखा। मैंने उसे उसके बारे में पूछा, वो बहुत तारीफ करने लग गया। मैंने सोचा चलो अपन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और मैंने विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आई मस्ट से, जब मैंने पहली बार विठोबा इस्तेमाल किया तो एक रिफ्रेशिंग फील आई थी, बहुत बेहतर लगा था। उम्र के जिस पड़ाव पर आज मैं हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, पर विठोबा बहुत बेहतर लगा। मैं जब टूर से घर लौटा तब मेरे दांत का दर्द लगभग जा चुका था। मैंने सोचा 7-8 दिन में अगर इतना फायदा होता है तो क्यों ना कंटिन्यू किया जाए। मैंने रूट कैनल का आइडिया पोस्टपोन कर दिया, और यकीन मानिए महीने भर के इस्तेमाल के बाद मेरा दांत का दर्द गायब हो गया। मैंने रूट कैनाल का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। अब मैं रेगुलरली विठोबा इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो सही मायनों में अब मैं अपनी डेंटल केयर कर रहा हूँ। आयुर्वेद ही सबसे बेहतर है। जो जितना निसर्ग के करीब होगा स्वस्थ होगा।